मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोतीराम अड्डा में 30 करोड़ की लागत से बने वेयर हाउस का किया लोकार्पण, कहा वेयर हाउस के बनने से 1000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, 200 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश। पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कुछ लोग निषाद महाकुंभ के सफल आयोजन से हो गए हैं भयभीत, समाज को गुमराह करने का कर रहे हैं कार्य। बंदियों के द्वारा जिला कारागार गोरखपुर में बनाया गया है मिनी ग्रीन हाउस, तैयार किया जा रहा है पौधों की नर्सरी, जेलर अरुण कुशवाहा ने दी जानकारी। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा 16 अगस्त को मनाया जाएगा निषाद पार्टी का स्थापना दिवस, आरक्षण का जन्म हुआ था गोरखपुर से, निषाद पार्टी लड़ रही है आरक्षण की लड़ाई। गोरखपुर के लाल ने बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में जीते 3 गोल्ड मेडल, गोरखपुर के नागरिकों सहित खेल प्रेमियों ने दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ, सीएम आवास पर फहराए राष्ट्रीय ध्वज। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिनभर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 30 करोड़ की लागत से बने मोतीराम अड्डा में वेयर हाउस का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेयर हाउस के लोकार्पण के अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस ब्रजेश मणि त्रिपाठी मेरे पास आया करते थे और कहा करते थे कि मोतीराम अड्डा में बड़ा काम करेंगे। इस वेयर हाउस को बना करके सच में बड़ा काम किया है, जो कि मात्र 9 महीने में बनकर तैयार हो गया है, जो कि 30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसको एशियन पेंट की कंपनी ने 22 लाख रुपए के महीने पर लिया है। इससे निश्चित ही 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा एक साल पहले पूरे प्रदेश में MOU साइन हुआ था, जिसमें श्री एसोसिएट ने वेयर हाउस के लिए MOU साइन किया था। मात्र 9 महीने में वेयर हाउस का निर्माण कर दिया गया, जिसका लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि यह PM मोदी की देन है, पूरे देश में निवेश हो रहा है। 2017 से पहले प्रदेश में कोई निवेश नहीं होता था, लेकिन यह PM मोदी की दूरगामी सोच है कि लोग विदेशों से ही आकर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। यह वही मोतीराम अड्डा चौराहा है जहां पर जाम लगा करता था, लेकिन अब सड़कें चौड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से अब 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और 30 मिनट में मेडिकल कॉलेज। जब से प्रदेश में सरकार बनी है, तब से गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर आप उन्हीं के प्रति इसी क्रम में स्वागत है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बिगड़ी कानून व्यवस्था को एक शब्द ने सुधारा है और विपक्ष भी लोहा मानता है। इसके पश्चात संध्या की बालिकाओं की उत्साहवर्धन के लिए आप सभी की तालियां 90% मार्क्स के साथ सुप्रिया जायसवाल, डॉटर ऑफ श्री योगेन जायसवाल, सेकेंड पोजीशन पर 87% मार्क्स, विद्यालय में तृतीय स्थान 84% मार्क्स के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कपड़ों से प्राप्त करते हुए संगीत एवं गायन के क्षेत्र में शीतल सिंह, बालिका के लिए तालियां बजती रहें डॉटर ऑफ श्री राजवीर सिंह जी, बोली में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मानसी सिंह, डॉटर ऑफ श्री रणजय सिंह
उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री शिवराम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, श्री एसोसिएट के प्रोप्राइटर श्री योगेश मणि त्रिपाठी जी, श्री प्रदेश मणि त्रिपाठी जी, एशियन पेंट के जनरल मैनेजर मुकेश कुमार जी, और आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर महानगर, गोरखपुर ग्रामीण, चोरी चोरा और श्री एसोसिएट से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक अभिनव सोच वेयर हाउस के रूप में उपलब्ध करवाने के लिए श्री योगेश मणि त्रिपाठी जी और प्रदेश मणि त्रिपाठी जी को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अभिनव कार्यक्रम इसके माध्यम से करते हुए नए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। भाइयों बहनों, वेयर हाउसिंग में भी आज एक नई संभावना तलाशी जा रही है। पहले भी पोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सी के द्वारा कोऑपरेटिव के द्वारा वेयर हाउस बनाए जाते थे, लेकिन तकनीक उनके पास पुरानी होने के कारण अक्सर वहां नुकसान ज्यादा हो जाता था। समय के अनुरूप तकनीक को अगर हम नहीं अपनाएंगे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब 9 वर्ष पहले देश की बागडोर संभाले थे तो उन्होंने देश को एक नया विजन दिया था कार्य करने का, और प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक की अपनी एक पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के तहत बड़े पैमाने पर निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रदेश में भी आमंत्रित किया। एक प्रक्रिया के साथ, एक सप्लाई चेन के साथ मोतीराम अटला जुड़ेगा, और भाइयों बहनों, मार्केट के साथ जब हम चलना प्रारंभ करेंगे तो विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें और मदद मिल पाएगी। आज का समय के अनुरूप तकनीक को अपनाते हुए आगे बढ़ने का समय है। अगर हमने समय के अनुरूप अपने आप को बदला नहीं, आज की जरूरत के हिसाब से तकनीक को अपनाया नहीं, इस परिवर्तनशील दुनिया में हम पिछड़ जाएंगे। और याद रखना, काफिले में जो व्यक्ति उस काफिले का हिस्सा बनकर के अपनी मंजिल को प्राप्त करता है वही सफलता प्राप्त कर पाता है। काफिले में जो व्यक्ति पीछे जा छूट जाता है और फिर धीरे धीरे करके पिछड़ता जाता, पीछे पीछे चला जाता है, उसके लिए फिर मंजिल प्राप्त करना एक बहुत यानी दूर की कौड़ी हो जाती है। ये समय के अनुरूप उठाया गया कदम तकनीक पर आधारित आज की जरूरतों को पूरा करने वाला एक नया अत्याधुनिक वह
वेयर हाउस यहां पर तैयार किया गया है। बहुत सारी संभावनाएं सरकार की अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज हैं और मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2023 में राज्य सरकार ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आयोजित किया था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य सरकार ने उस समय हर जनपद में भी इन्वेस्टर समिट के आयोजन किए थे, उसके रोड शोज किए थे, उसके एमओयू संपन्न हुए थे। गोरखपुर में भी बहुत अच्छी संख्या में वो एमओयू साइन हुए थे। पूरे प्रदेश भर में 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए और 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव के साथ प्रदेश के 75 जनपद में कोई जनपद ऐसा नहीं था जिसमें निवेश के प्रस्ताव न प्राप्त हुए हो। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जो एमओयू 2022 के अंत में हुआ था, आज उसका एक मूर्त रूप श्री एसोसिएट के द्वारा निर्मित मोतीराम अड्डा का ये अत्याधुनिक वेयर हाउस के रूप में हम सबको देखने को आज यहां पर प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टर समिट के दौरान एमओयू किए हैं या जो एमओयू करने में वंचित रह गए थे, वे तेजी के साथ अपना आवेदन आगे बढ़ा करके अपने निवेश को जमीनी धरातल पर उतार करके विकास की इस प्रक्रिया को तेज करते हुए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से श्री एसोसिएट को इस अभिनव कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि श्री एसोसिएट का यह उपक्रम इस क्षेत्र में वेयर हाउसिंग के फील्ड में नए निवेश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आपके अवसर इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस, 64 अपने भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन ले, जगरवि इंटरप्राइजेज, 64 अखिलेश भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रविवार को गोरखपुर के दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए फरियादियों की भारी भीड़ दिखी। सीएम योगी ने एक एक कर सभी की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए। लगभग 200 फरियादियों की मुख्यमंत्री ने फरियाद सुनी। उन्होंने फरियादियों से कहा कि सभी की समस्या का समाधान होगा, सरकार हमेशा आपके साथ है। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई समेत अन्य लोग मौजूद रहे। थाईलैंड में तो वही तो मामला है ना, अलग है ये, वहाँ का जेल में बंद है। इसको देखो जी, एम्बेसी से पूछिए कार्रवाई करो। आप कहाँ से आए? कार्रवाई हुई? कितने लोग गिरफ्तार हुए?
इसको देखेंगे जी गिरफ्तार कर लीजिए। अब चिंता मत करो, कहाँ से आए हैं? गोरखपुर का है, बेलगाड़ थाना क्षेत्र। कहाँ से आए? क्या हो गया है? इसको देते हैं जी कुशीनगर। लो जी स्कूल जाती है, कार्रवाई करेंगे। पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 24 जुलाई 2023 को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एक बहुत ही विशाल निषाद महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसमें जितने लोग आए सभी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि निषाद महाकुंभ सफल कार्यक्रम हुआ था, लेकिन उसको ना चाहने वाले समाज के विरोधी लोग भयभीत, हैरान व परेशान हैं, और वो लोग फिर से समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब यह समाज गुमराह होने वाला नहीं है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। उन्होंने कहा 2024 में निषाद समाज फिर से सरकार बनाएगा, समाज किसी के बहकावे में नहीं आएगा। जो लोग कहते थे आरक्षण दिलवाएंगे, वह लोग अब आरक्षण को भूल गए हैं और समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा 24 जुलाई 2024 को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक निषाद महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसमें जितने लोग आए सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उनका मैं नमन करता हूँ, उन लोगों ने आकर के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आज ये भी साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक सफल और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए, इसलिए कुछ उनको न चाहने वाले समाज के विरोधी लोग भयभीत और हैरान, घबराए और परेशान हैं, परेशान होकर के फिर से उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज गुमराह होने वाला नहीं है। ये दो भाजपा समर्थित नेता आमने सामने लगातार टकराव हो रहा, 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तो क्या लगता है कि निषाद समाज 2024 में किसके तरफ, या संजय निषाद की तरफ या जयप्रकाश निषाद की तरफ? 2024 में जिस प्रकार से 2017 में वोट दिया, 2019 में वोट दिया, उसी प्रकार से 2022 में वोट दिया, ठीक उसी प्रकार 2024 में भी निषाद समाज फिर से पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और प्रचंड बहुमत के सरकार बनाएगा, लेकिन किसी बहुरूपिये के कहने पर नहीं, किसी धोखेबाज के कहने पर नहीं, किसी आरक्षण के जाल में फंसाने वाले के कहने पर नहीं, अपनी लड़ाई स्वतः लड़ते हुए ये फिर से सरकार बनाने के लिए समाज अग्रसर है। महाकुंभ के बाद स्थापना दिवस, ये स्थापना दिवस तब होता, समाज इसको तब सराहता और समाज चढ़ बढ़ करके आता, ये पूरा शहर जाम हो जाता, लेकिन ये स्थापना दिवस नहीं। बल्कि मैं समझता हूँ जिस चीज की स्थापना हुई थी कि आरक्षण दिलवाएंगे। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। जिला कारागार में बंदियों के द्वारा मिनी ग्रीन हाउस बनाया गया है, जिसके संबंध में जिला कारागार के जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने बताया कि जेल पर ग्रीन हाउस बनाया गया है, जो कि बंदियों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि जेल में जो पौधा लगाया जाता था वह टेम्परेचर के डाउन होने की वजह से नष्ट हो जाता था, जिसको देखते हुए ग्रीन हाउस बनाया गया है। इससे पौधों की नर्सरी तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा और विपरीत परिस्थितियों में भी कृषि कार्य करवाया जा सकेगा।
उन्होंने बताया ग्रीन हाउस में फूल गोभी व बंद गोभी की नर्सरी लगाया गया है, जिसके बाद अन्य सब्जियों का पौधा लगाया जाएगा जो कि जेल के बंदियों द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार के जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने कहा, ग्रीन हाउस बनाया गया है जेल में, जेल के फार्म पर जो पौध लगाई जाती थी तो उसमें टेम्परेचर के अप डाउन होने से पौध नष्ट हो जाती थी, काफ़ी जल्दी खराब हो जाती थी, तो उसमें ग्रीन हाउस, मिनी ग्रीन हाउस बनाया गया है यहाँ, और उससे नर्सरी तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा, जिससे कृषि कार्य में काफ़ी तेजी आएगी और विपरीत परिस्थितियों में भी कृषि कार्य कराया जा सके। तो ये प्रदेश का पहला ग्रीन हाउस है या इससे पहले भी कहीं जेल में? जेल में ये पहला ग्रीन हाउस बना है। सर किस किस तरह के पौधे लगाए हैं उसमें? अभी तो फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी डाली गई है, आगे और भी नर्सरी डाली जाएगी। इससे सर आगे खेती करनी आसान? हाँ, खेती करनी है बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पौध तैयार करना ही थोड़ा मुश्किल होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन होता रहता है, जिससे सॉफ्ट पौध के पौध नष्ट होने की संभावना लगातार बनी रहती है, इससे उससे बचा जा सके। चलिए सर, कैदियों द्वारा तैयार? सब कुछ कैदियों के द्वारा ही किया जा रहा है, सारा कार्य कैदियों के द्वारा किया जा रहा है, उनको ट्रेंड किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने एनएक्सी भवन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि निषाद पार्टी 16 अगस्त को स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जो कि गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर होने जा रहा है, जिसका आयोजन ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जो समाज के नेता थे वह चिट्ठी को ले जाकर पोटली में डाल देते थे, लेकिन उन्होंने अब एक ऐसा पोस्टमैन बनाया है जो इनकी चिट्ठी को ले जा करके पीएम के टेबल पर रखता है। हम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल करके आए हैं, यह निषाद पार्टी की ही देन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय निषाद राज बोलते हैं। जब निषाद पार्टी भाजपा के साथ आई तो देखिए शांतिपूर्वक राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर भगवान राम के साथ भगवान निषाद राज को भी स्थान मिला हुआ है, जिसके लिए भाजपा को धन्यवाद देते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, देश को आजाद कराने में 573 जातियों ने भाग लिया था, उनके स्थापना के लिए निषाद पार्टी कार्य कर रही है। हमने मछुआ समाज के साथ, अन्य समाज के लोगों के साथ कार्य किया है। पहले के लोग विधानसभा में पीछे बैठते थे, लेकिन अब निषाद पार्टी के विधायक आगे बैठते हैं। उन्होंने कहा, आरक्षण की लड़ाई का जन्म गोरखपुर से हुआ था, हम लोग संविधान में आरक्षित 70 साल में फाइल केंद्र में पहुंची है। आज के समय में सभी लोग निषाद समाज की आवाज सुनते हैं। हम लोगों की गिनती 70 लाख थी, लेकिन उसको 7,000 गिन दिया गया, जिसका मामला दिल्ली में लंबित है। हमारे 11 विधायक हैं जो कि समाज की वकालत कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर, मच्छरनाथ की तपोभूमि पर, जो रामग्राम के नाम से पहचानते इतिहास में जो रामगढ़ है, काल कवि सिंघानु निषाद, अन्य निषाद थे ऋषि राजा राम निषाद के, तो कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पावर। ये जो गोरखपुर है एक ऐतिहासिक धरती है और सांस्कृतिक नगरी है, हमारी पूजनीय नगरी है। इस पर आज इस महादेव के इस पर्व पर सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक विशेष मकसद होता है, संदेश देना होता है। हम केवल संदेश वाहक हैं, मैं एक पोस्टमैन हूं अपने समाज का, कि जो चिट्ठी पहले हमारे पिछली सरकारें उसे ले जाती थी, हमारे नेता की ले जाकर टोकरी में डाल देती थी। हम अपने समाज को धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसा पोस्टमैन हमें बनाया कि इनकी चिट्ठी को सीधे ले जाता हूँ और प्रधानमंत्री के टेबल पर रखता हूँ। ये हम अपने गर्व महसूस करते अपने कार्यकर्ता हूँ। हम अपने गोरखपुर में रहने का भी आपका सहयोग और प्यार सुनने का। अभी मैं नड्डा साहब से मिला था और नड्डा साहब ने आश्वस्त किया, मैं उनसे शुभकामनाएं लेने गया था कि हमारे 8 वर्ष पूरे निषाद पार्टी के हुई है, और उनसे इस बात का धन्यवाद देना था कि कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गंगा पार किया था और दोनों ने मिलकर रावण राज खत्म किया था सेना से, और उस निषाद राज के किले को आपने पर्यटक स्थल घोषित किया, 20 करोड़ 38 लाख दिया। भगवान राम और निषाद राज का जो गले लगे मूर्ति 56 फुट की है, उसके उद्घाटन के लिए माननीय जो गृह मंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री जब अयोध्या जब जो है प्रयागराज में उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि निषाद राज की धरती को प्रणाम करते हैं,
और 9 बार जय निषाद राज का नारा लगाया था और निषाद राज के उस इतिहास को मंच से मेरे सामने कहा कि निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं, भगवान राम के निषाद राज उस मूर्ति के उद्घाटन के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में तैयार हो गई है। अब वो जब भी सहमति देंगे उसकी तैयारी होगी। अपने लोगों को हम पहले से एडवांस में कि वो निषाद राज का किला है कि जिसके वजह से वो कभी राम राज आया था, मतलब सुख का राज आया था। और एक नई सूचना देनी थी कि जिसके लिए कि जिस जहाँ एक गुरुकुल में निषाद राजकुल और रघुकुल के दोनों लोग पढ़ते थे और उस वह जो अयोध्या है उस अयोध्या की नगरी में भगवान राम के उस जन्म स्थान को बनाने के लिए जो राम मंदिर बनना था उसमें कितने खून खराबे हुए थे, लेकिन जब निषाद पार्टी आई और NDA के साथ आई तो देखिए कितनी शांति से राम मंदिर बन रहा है। और राम मंदिर में रामलला के साथ भगवान राम के साथ साथ उनके आत्म बाल सखा निषाद राज गोराज महाराज का भी इसमें एक स्थान मिला हुआ, इसलिए हम अपने समाज को धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रयागराज आपके प्रेस के माध्यम से। यह हम लोगों के गर्व का विषय, कहते हैं कि लीडर का काम होता है लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज की सोच को लिफ्ट करा दे उसे लीडर कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, 16 अगस्त 2016 को मैंने पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया था, इस बात का रजिस्ट्रेशन कराया था कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 के रिपोर्ट के अनुसार इस भारत में 578 जातियां देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, जिसमें 193 जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। उन्हें अंग्रेजों ने विस्थापित किया था, उनके जीविकोपार्जन से रहन हर चीजों से विस्थापित किया था। भारत के संविधान के मुताबिक उन्हें स्थापित किया जा सके इसके लिए निषाद पार्टी की स्थापना हुई है, जो 8 वर्ष हुआ। ये 8 वर्ष में हम कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल है। हम 1 साल पहले निषाद राज के किले पर संकल्प लिए थे। मैं इन कार्यकर्ताओं को स्थापित निषाद पार्टी जिसके लिए काम कर रही है कितनी स्थापित है कि हम कहते हैं कि मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा और मकान उसके बाद आता है। हमने इस मछुआ समुदाय के साथ साथ और लोगों के लिए भी काम किया हूँ। जब मोदी जी अमित शाह जी नड्डा साहब के पास मिलता हूँ तो गर्व है कि कभी हमारे नेता जो जाते थे पिछली सीटों पर बैठते थे और उनको कोई बोलने की इजाजत नहीं देते थे 70 साल से, कभी एक एक फोटो नहीं मिलता है कि कोई नेता हमारा किसी मंत्री के सामने इस मछुआ समुदाय जो उछड़ा हुआ परिवार है भगवान राम को उतारने वाला हो उसके दर्द को किसी पार्टी ने सुना हो। मंत्री की बात तो मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, आज प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जी नड्डा साहब जैसे लोग आज डॉक्टर संजय को इतना बड़ा वकील मेरा समाज बनाया कि मैं जाकर इनकी वकालत कर रहा हूं और उनके टेबल पर इनके समाधान के लिए मुद्दे को जब जहां देश का शीर्ष नेतृत्व उसको स्वीकार कर लिया, धारा 370 जैसे खत्म हुआ, राम मंदिर खत्म हुआ, ठीक हुआ बन रहा, वैसे इनके इनका जो भी सामाजिक मुद्दे आर्थिक मुद्दे हैं जो मैं इनसे कह रहे हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आरक्षण की लड़ाई का जन्म गोरखपुर से हुआ था। हम आरक्षित हैं, संविधान में लेदरमैन वाशरमैन फिशरमैन लिखा हुआ है, लेदरमैन को मिल गया जो है वाशरमैन को मिल गया, लेकिन मिल्क फिशरमैन जब मांगने जाता रहा कांग्रेस को तो कांग्रेसियों ने फाइल गायब करा दिया, बसपा ने स्टे लगा दिया, सपा ने गोली मारी और डंडे का 302 का मूल्य बना दिया। वो जो फाइल है उसके लिए प्रमाणिक दस्तावेज पहली बार है 70 साल में माननीय योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री को, उन्होंने हमारी बात को स्वीकारा, RGI को लिखा कि भाई डॉक्टर संजय बार बार कहता केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, उस पत्र को RGI ने एक्सेप्ट कर लिया, लिखित दस्तावेज दे दिया कि केवट मल्ला मझवार है, इनकी गिनती 1961 में हुई थी, हमारी गिनती 70 लाख थी लेकिन पिछली सरकारों ने हमें 7000 2011 में गिन दिया और जब उनकी उस आवाज को उठाने के लिए गया कि हमारी गिनती संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति ने जब एक बार केवट मल्ला को मझवार बांध दिया तो जब राष्ट्रपति ने लिख दिया पार्लियामेंट्री डिसाइडर हो गया तो केवट मल्ला को पिछड़ी में डालना गैर कानूनी है। उसको मैं बधाई दूंगा कि 31/12/2016 को राज्यपाल ने पब्लिक सर्विस कमीशन SC ST OBC जो आरक्षण अधिनियम है उनके 1994 धारा 13 में राज्यपाल ने हमें निकाल रखा है और हम आज के दिन में, और उत्तर प्रदेश हमारे हाई कोर्ट ने कह रखा कि इसके मामले दिल्ली से होने हैं, दिल्ली में हमारे मामले लंबित हैं और टेबल पर है चूंकि RGI ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को कह दिया, सामाजिक न्याय मंत्री ने भी एक्सेप्ट कर लिया। माननीय मुख्यमंत्री से हम अगर अपने विधायकों सहित मिले थे, पहले एक विधायक थे अभी 11 विधायक हमारे हैं, उसमें से लगभग
ज्यादातर विधायक हमको लगता है 10 विधायक के आसपास थे, हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए कि भाई हमें निषाद पार्टी का जन्म आरक्षण के आधार पर हुआ है, हमें वकील बना के भेजा, हम लोग सदन में भी आवाज उठा सके हैं और ये मामला केंद्र का है, आप सिफारिश भेजिए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार कर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे उस आरक्षण के सिफारिश के लिए पत्र लिखने के लिए हमारे समाज कल्याण मंत्री को भेज दिया है। अब बहुत जल्द उत्तर प्रदेश से हमारे दिल्ली में हमारी सिफारिश जाएगी और सिफारिश को लागू कराकर इनका जो संविधान। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस 64 अखिलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवि इंटरप्राइजेज 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोरखपुर के निशानेबाज ने 3 गोल्ड जीतकर जनपद का मान बढ़ाया है। 7 से 11 अगस्त तक सिवान में आयोजित इस प्रतियोगिता में शहर के मोहद्दीपुर निवासी रुद्रवीर सिंह ने जहां 2 गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया, वहीं वरुणवीर सिंह ने 1 गोल्ड व 1 ब्रांज मेडल पर कब्जा जमाया है। प्रतियोगिता में फायर चैंपियनशिप में एयर राइफल, एयर पिस्टल से खिलाड़ियों ने निशाना लगाया। दोनों की उपलब्धियों पर गोरखपुर वासी बधाई दे रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रुद्रवीर सिंह वरुणवीर सिंह ने कहा, हमारे पिताजी ने इसका शुरू किया था, हम लोग क्लास फर्स्ट में थे तो अपने पिताजी अपने गाइडेंस में हम लोग को एयर वेपन से ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद हम लोग को पिस्टल में और एयर पिस्टल से ट्रेनिंग देते हुए फिर फायर आर्म्स में ट्रेनिंग दिए, फिर हम लोगों ने अपने कोच से भी ट्रेनिंग ली, फिर स्टेट खेला। यहाँ पर प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं? यहाँ प्रैक्टिस घर पे ही करते हैं, एयर वेपन से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एयर पिस्टल से हम करते हैं, एयर राइफल से हमारे भाई साहब करते हैं। स्टेडियम में कोई सुविधा है? नहीं, स्टेडियम में कोई ऐसी सुविधा नहीं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को लाइसेंस प्रोवाइड करें कि हम लोग फायर आर्म्स खरीद सकें और अपनी ट्रेनिंग को चालू कर सकें। क्या लक्ष्य है? अर्जुन अवार्डी बनना और नेशनल चैंपियन बनना है। वरुण वीर सिंह 33rd बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप थी जिसमें हमने और हमारे बड़े भाई साहब ने पार्टिसिपेट किया था। हम राइफल इवेंट से थे, हमारे भाई साहब पिस्टल इवेंट से। हमने और हमारे भाई साहब दोनों लोगों ने जो है गोल्ड जीता। कितने गोल्ड जीते आप लोगों? हम जूनियर और सीनियर दोनों में गोल्ड लाए। आगे का क्या लक्ष्य आपका होता है? नेशनल चैंपियन बनना, अर्जुन अवार्डी बनना। अच्छा, इस तरह के जो खेल हैं यहाँ पे गोरखपुर में बहुत ज़्यादा मतलब इसे स्कोप नहीं है, तो ऐसे में आप लोग का रुझान कैसे बना? वो तो बचपन से शौक था शूटिंग वगैरह का, और बाकी माता पिता जी के सहयोग से लोग जो है शूटिंग करियर में आगे बढ़े। कब से खेल रहे हैं आप लोग? हम पिछले साल से, भैया भी पिछले साल से ही शूटिंग कर रहे हैं। अन्य युवाओं को क्या करना चाहिए, क्या संदेश? आप लोग स्पोर्ट्स की तरफ भी थोड़ा अपना ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई को लेकर के उतना कहते फोकस होना ठीक है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स पे भी थोड़ा ध्यान दें। क्या नाम है आपका? रुद्रवीर सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजयुमो की ओर से 12 व 13 अगस्त को
सभी ब्लॉकों में मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 12 से 14 अगस्त में सभी मंडलों में महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई व माल्यार्पण करना है। 14 अगस्त को मौन जुलूस निकालकर विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मिट्टी का दीपक जलाकर वीर बलिदानियों को याद कर नमन किया जाएगा। सेल्फी लेकर लिंक पर अपलोड भी किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जिले के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी। बैठक का संचालन भाजपा जिला महामंत्री राजा राम कन्नौजिया ने किया। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291।